चलिए अब आगे बात करते हैं अनुवांशिकी में। तो अनुवांशिक से संबंधित कुछ शब्द दी गई है जिन्हें हम अनुवांशिकी की शब्दावली के नाम से जानते हैं, जिनका उपयोग अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले शब्दावली की बात करते हैं। शब्दावली पहला है फैक्टर यानी कि कारक। कारक वे संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं और आनुवांशिक लक्षणों को वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम करती हैं। इन संरचनाओं को मेंडल ने कारक नाम दिया। उस समय तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से इन्हें काफी समय तक कारक के नाम से ही जाना गया। तो मेंडल का ये कहना था कि वंशानुगति में आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होते हैं और वो कारक ये होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति के लिए जिम्मेदार होते हैं मेंडल ने इन्हें कारक फैक्टर का। बाद में इन्हीं कारकों को डेन जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो जीन की बात करें तो जो जीन नाम है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जैन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो, वृद्धि करना या बढ़ना। और ये मेंडल द्वारा जिन्हें कारक कहा गया था ये वही गायें हैं जिन्हें जीन नाम दिया और इन्हें जीन नाम बेन जॉनसन ने इन कारकों को जीन नाम दिया और बताया कि जीन आनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्मतम इकाइयां होती हैं जो कि गुणसूत्रों के विभिन्न विस्तरों पर लगी होती हैं। विस्तर वे स्थान होते हैं जब गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और इन्हीं स्थलों पर जीन जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। जीन वैसे तो वास्तव में डीएनए के वे छोटे खंड होते हैं जिन पर आनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में निहित होती हैं और आनुवांशिक लक्षणों की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करती है। तो जीन आनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाइयां हैं। जीन आनुवांशिकता की वे सूक्ष्म इकाइयां हैं जिन पर आनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में
उपस्थित होती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। दूसरी बात, जीन डीएनए के सूक्ष्म खंड होते हैं जो कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों पर विस्फलन यानी कि लोकस पर जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीव का जो शाब्दिक अर्थ है वो ग्रीक भाषा की जैन शब्द से लिया गया है जिसका आर्थिक अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो। और ये शब्द पहली बार बेन जॉनसन ने दिया था। मेंडल ने जिन्हें कारक नाम दिया था कि भाई कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आवासीय घटनाओं की वंशन गति के लिए जिम्मेदार होते हैं और अगली पीढ़ी में जाकर के आवासीय घटनाओं को विकसित करते हैं और उन्हीं कारकों को बेन जॉनसन ने जीन नाम दिया था। जीन आनुवंशिकता की सूक्ष्म इकाइयां होती हैं जो कि वास्तव में डीएनए के छोटे खंड होते हैं और इनके ऊपर आनुवंशिक सूचनाएं कोड के रूप में उपस्थित होती हैं और यही आनुवंशिक सूचनाएं जीन गुणसूत्रों के विस्तार पर लगे होते हैं और विस्तार वे स्थान होते हैं जहां पर गुणसूत्र लगे होते हैं जोड़े के रूप में और पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र तो एक बाहर की तरह है जो कि आवासीय लक्षणों यानी कि जीन को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती है तथा गुणसूत्रों की संख्या जाति विशिष्ट होती है यानी कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव की बात करें तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं हम युग्म विकल्प की। युग्म विकल्प एलील देखिए जीन सदैव जोड़े में होता है। जीन सदैव जोड़े में होता है तथा ये जोड़े सम युग्मकीय अवस्था में हो सकते हैं या विषम युग्मकीय अवस्था में हो सकते हैं। सम युग्मकीय अवस्था में उपस्थित है तो एक जीव के दोनों युग्म विकल्प भी समान होंगे या तो दोनों लंबे या दोनों बौने उदाहरण के लिए या फिर जो जोड़े में जीव उपस्थित हैं उसके दोनों विकल्प भी असमान हो सकते हैं विषम युग्मज हो सकते हैं। एक प्रभावी हो सकता है दूसरा अप्रभावी हो सकता है। तो जीन सदैव जोड़े में होता है और एक जीन के दो विकल्प ही होते हैं। जैसे पादप की लंबाई की बात करें पादप की लंबाई तो पादप की लंबाई के लिए कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जीन के कितने विकल्प हो गए, दो, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये है युग्म विकल्प। अब चाहे वो दोनों संयुग्मज अवस्था में हो या विषम युग्मज अवस्था में हो, तो युग्म विकल्प किसी भी चीज के दो विकल्प होते हैं जो दोनों प्रभावी हो सकते हैं, दोनों अप्रभावी हो सकते हैं, या फिर एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकता है, क्योंकि जीन सदैव जोड़े में होता है और एक जीन के दो विकल्प हो सकते हैं। अगला है प्रभावी गुण। डॉमिनेंट प्रभावी गुण की बात करें तो जब एक जोड़ी या दो जोड़ी में प्रयास के लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, इसे हम बोलते हैं प्रभावी गुण। अप्रभावी गुण रिसेस, रिसेसिव का अर्थ है अर्थात F1 पीढ़ी में जो संतियां हमको प्राप्त होती हैं उसमें जो प्रभाव प्रकट नहीं होता यानी कि दब जाता है वह प्रभाव कुछ समय के लिए कुछ पीढ़ियों के लिए, तो इसे हम कहते हैं अप्रभावी गुण। अगली बात करते हैं हम जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप इंग्लिश में कहें तो जीनोटाइप। देखिए संतति में होता क्या है कि माता तथा पिता दोनों से ही समान लक्षण प्राप्त किए जाते हैं और उनका जो वंशानुक्रम है जब उसका निर्धारण जीन द्वारा किया जाता है तो इसे हम कहते हैं जीन प्रारूप। संतति में माता तथा पिता दोनों जनकों से समान रूप से जीन प्राप्त होते हैं तथा संतति का वंशानुक्रम जब जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो इसे जीरो टाइप यानी कि जीन प्रारूप कहते हैं। यानी कि संतति के अंदर जब वंशानु सत्ता जब निर्धारण जीन पर निर्भर होता है, जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। अगला है अपना
क्षण प्रारूप फिनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ होता है कि लक्षणों की बाह्य जो अभिव्यक्ति होती है जब उसके आधार पर संतियों का निर्धारण किया जाए तो लक्षण प्रारूप कहलाता है। संतति में बाह्य लक्षणों की अभिव्यक्ति लक्षण प्रारूप कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने लाल पुष्प और सफेद पुष्प दो लक्षण ले लिए, रेड को कैपिटला से और व्हाइट को स्मॉल अक्षर में प्रदर्शित कर दिया। इसके हमको युग प्राप्त हुए कैपिटल आर, इसका प्राप्त हुआ स्मॉल आर। इनके मध्य संकलन कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर जो हुई एफ वन जनरेशन। अब उसमें जो प्राप्त संपत्ति होती है उसका अगर हम स्वयं प्रारंभ कराएं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही बजे क्रॉस कराएंगे तो सी कुंडेट का चक्रवर्त बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर जो है नवयुग्मक और कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गए मादा युग्मक। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर आप इसमें लक्षण जीव प्रारूप देखें तो जीव प्रारूप के आधार पर तीन प्रकार की संतियां प्राप्त हुई, संयुग्मजी विषमयुग्मजी और संयुग्मजी अपवाद। एक दो और ये एक, तो ये प्राणी का जीव प्रारूप। और लक्षण प्रारूप की बात करें तो लक्षण प्रारूप में लाल और सफेद पुष्पों का अनुपात देखते हैं तो जो विषम युग्मजी अवस्था में भी है उन्हें संतृप्त लाल माना जाता है, जिससे प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। तो ये लाल प्राप्त हुआ तीन और सफेद प्राप्त हुआ एक, तो ये अपना लक्षण प्रारूप। अगली बात करते हैं हम समयुग्मजी अवस्था। देखिए अभी हमने बताया कि एक जीन सदैव जुड़े होता है और प्रत्येक जीन के दो विकल्प ही होती, या तो दोनों प्रभावी होंगे या दोनों अप्रभावी होंगे या एक प्रभावी और एक अप्रभावी होगा। यदि किसी भी जीन में दोनों युग्म विकल्प समान है चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो तो ऐसी अवस्था कहलाती है समयुग्मजी अवस्था। जब जीन के दोनों युग्म विकल्प प्रभावी या अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था में हो तो इसे होमोजाइगस कहते हैं। जैसे
कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंस एलील, स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस ये पादप की लंबाई के लिए टॉल ये ड्वार्फ। तो ये हो गया आपके लेंथ ऑफ प्लांट। इसी प्रकार से उसका कारण भी ले सकते हैं कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। होमोजाइगस डोमिनेंस एलील फॉर रेड फ्लावर। इसी प्रकार से होमोजाइगस संयोजी रिसेसिव
हिसाब से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी। अगर इस अवस्था में हो तो ये स्थिति कहलाती है विषम युग्म की अवस्था। मानव के अंदर भी नर मनुष्यों में एक्स वाई जो सूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स वाई में एक माता के लिए और दूसरा नर के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम एरोसोम सूत्र, मैंने ये लिंग गुण सूत्र यानी जनन गुण सूत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि नर मनुष्यों में ये स्थिति विषम युग्मक की अवस्था में पाई जाती है। यह है विषम युग्मक, जबकि मादा मनुष्यों के अंदर सम युग्मक की अवस्था पाई जाती है। सम युग्मक की लिंग गुण और ये विषम युग्मक की लिंग गुण। चलिए अगली बात करते हैं एफ वन की। F1 generation यहां पे जो F दिया गया है इसका मतलब होता है क्लियर फर्स्ट जनरेशन। यानी कि F1 पीढ़ी वो पीढ़ी होती है जब प्रथम जनकों के मध्य संक्रमण कराया जाता है, तो जो संततियां प्राप्त होती हैं, संक्रमित संततियां प्राप्त होती हैं, उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। प्रथम यानी कि P1 जनकों से प्राप्त संतति F1 होती है। इसी प्रकार से F2 जनरेशन की बात करें यानी कि क्लियर सेकेंड जनरेशन, F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों के मध्य स्वपरागण या स्वनिषेचन कराने पर प्राप्त संतति F2 पीढ़ी होती है। अगली बात करते हैं संकरण की। यानी कि क्रॉस, जब दो भिन्न जाति के जनकों के मध्य जिनमें से एक नर तथा एक मादा होता है के मध्य निषेचन कराने की जो प्रक्रिया है संकरण कहलाती है। दो भिन्न प्रजाति के नर तथा मादा जनकों के मध्य निषेचन
संस्करण कहलाते हैं। तो ये है आनुवांशिकता से संबंधित कुछ शब्दावलियां जिनका उपयोग आनुवांशिकी के क्षेत्र में किया जाता है और इससे अगले बात करते हैं वो है बहुप्रभावीता। ठीक, वैसे तो होता क्या है कि सामान्य स्थिति में एक जीन केवल एक ही लक्षण के प्रभाव को व्यक्त करता है, परंतु कुछ प्राणी और कुछ पादपों में एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुप्रभावीता। जब सामान्य स्थिति में एक जीन केवल एक लक्षण को व्यक्त करता है, परंतु यदि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को अभिव्यक्त करे तो इसे बहुप्रभावीता प्लियोट्रॉपी कहते हैं। बहुप्रभावीता कहते हैं। दूसरा है बहुविकल्पी एली। ठीक है, वैसे तो सामान्य स्थिति में एक जीन के केवल दो एलिमेंट होते हैं, दो प्रिंसिपल गलती होती है, या तो दोनों स्वयं परिवर्तन होते हैं या दोनों विषम।